हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। इसके अलावा अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए आपके दोस्तों या कोई भी जो जॉब सीकर है उसके लिए। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के यहाँ पे बहुत सारे जो कि पोस्ट निकला हुआ है, रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो यहाँ पे इसके किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, तो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, आपको इस पेज में आना होगा। इस पेज के आने के लिए आपको मैं इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग डायरेक्टली इस पेज में आ सकते क्लिक करके उस लिंक को। तो दोस्तों, इस पेज में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कि लिखा हुआ है आवर करंट ओपनिंग। तो यहाँ पर जो जो न्यू जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिसर गेट 2019 इंजीनियर न्यू अपडेट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कि ऑफिसर पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है न्यू, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो व्यू ऐड है आपको यहाँ पे वो तो दोस्तों डाउनलोड करना हो। इसके साथ साथ यहाँ पे और एक पोस्ट जो कि निकला हुआ है नॉन मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी मुंबई रिफाइनरी। तो दोस्तों, इसके लिए भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। तो दोस्तों, आपको पहले आपको जो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बात करूँगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या पोस्ट है, सब कुछ। तो दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ इसका जो ऑफिशियल है। तो दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड हो गया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के जो रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन मैनेजमेंट पोजीशन में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका पोस्ट जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन यहाँ पे चलाया है। अप्लाई के डेट जो कि है 1 अक्टूबर 2018 से शुरू हो गया है और लास्ट जो कि डेट है 31 अक्टूबर 2018। इसका जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन, जिसका क्वालिफिकेशन 60% एग्रीगेट मार्क्स इन बीएससी विद द केमिस्ट्री एंड प्रिंसिपल सब्जेक्ट और 60 एग्रीगेट मार्क्स इन डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, 50% एग्रीगेट मार्क फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST PWD। तो दोस्तों, यहाँ पे BSC केमिकल इंजीनियरिंग में अगर 60% मार्क लेके अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन। तो इसका वैकेंसी जो है यहाँ पे 67 है पोस्ट, और जो अनरिजर्व SC ST OBC ऑल कैटेगरी मिलके। उसके बाद बात करेंगे असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन, जो कि यहाँ पे उसका क्वालिफिकेशन है SEC और इक्विपमेंट विद द फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। इसका जो वैकेंसी है टोटल 6। उसके बाद बात करेंगे असिस्टेंट लेबोरेटरी एनालिस्ट, जिसका क्वालिफिकेशन जो है BSc। इसके साथ साथ केमिस्ट्री रहेगा अगर आप BSc विथ केमिस्ट्री। जो लोग SC ST है उसके लिए 50%। इसका जो वैकेंसी नंबर है, नंबर ऑफ वैकेंसी 7। उसके बाद है असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन इलेक्ट्रिक, इसके लिए भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, वैकेंसी है 7। उसके बाद बात करेंगे असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन, जिसके क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर। उसके भी जो वैकेंसी है 7। तो दोस्तों, इस तरह से और दो जो कि पोस्ट निकला हुआ है असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन, जो कि इसका भी जो क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, इसका वैकेंसी है 9। और फायर ऑपरेटर, जिसका जो कि है 12 पास विथ साइन एंड सर्टिफिकेट बेसिक फायर फाइटिंग का कोर्स फॉर फायरमैन फ्रॉम स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पे 12 पास जो लोग हैं उसके साथ साथ सर्टिफिकेट बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स है अगर है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, टोटल जो वैकेंसी है 122। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 to 25 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18
से 25 ईयर्स के तक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू रेस्पेक्टिव पोजिशन विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे एक सीबीटी जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको जो यहाँ पे जो आपको सिलेक्शन होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते। आपको यहाँ पे फिजिकली और मेडिकल आपको फिट रहना होगा, उसका भी एक आपको जो कि ये जो टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपका जो सैलरी रहेगा 47,800 रुपीज़ पर मंथ। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं चाहिए, ये एक आपका जो कि बेस्ट जो पार्ट है। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं चाहिए फॉर द ऑल कैंडिडेट, जो एससी एसटी ओबीसी या जनरल कैंडिडेट है उसके लिए भी। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं चाहिए, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा अप्लाई के लिंक। ध्यान रहे कि लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर 2018 तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में। तो दोस्तों इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो कि न्यूली जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को। और आज के लिए यही वीडियो है, और दूसरे वीडियो में मैं मिलता हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।